तेलंगाना में एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने एक ज्वाइंट कलेक्टर को 8 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक एसीबी अहदेदारों ने रंगारेड्डी जिला के ज्वाइंट कलेक्टर भोपाल रेड्डी और एक सीनियर असिस्टेंट को मंगल के रोज 8 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। अराजियत का रिकॉर्ड महफूज रखने वाले धरानी पोर्टल से एक जमीन को ब्लॉक लिस्ट से निकाल देने के लिए रकम का मुतालबा किया गया था। डीएससी उम्मीदवारों के लिए अहम इत्तला। तेलंगाना में 11,062 असातेज़ा की मकलुआ जायदादों पर तकर्रुरात के लिए मुनक़्क़दा डीएससी इम्तिहान की कीट जारी कर दी गई है। वेबसाइट में की के साथ साथ रेस्पॉन्स शीट भी दस्तियाब रखी गई। महकमे तालीमात ने तुलबा से इस महीने की 20 तारीख से कबल एतराज़ात दाखिल करने की ख्वाहिश की है। हैदराबाद पुलिस ने यौम आज़ादी से कबल शहर में हाई अलर्ट। अफजलगंज पुलिस ने मंगल को महात्मा गांधी बस स्टेशन पर तकरीबकारी मुखालिफ चेकिंग की। डीसीपी ईस्ट बी बाल स्वामी और दीगर अहदेदारों की क्यादत में पुलिस ने इंसदाद तकरीबकारी टीमों और बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमों की मदद से बस टर्मिनल को चेक किया। टीम ने पुलिस की मदद के लिए सूंघने वाले कुत्तों को भी तैनात किया। मुसाफिरों के सामान की जांच पड़ताल की गई, जो मशकूक हालत में घूमते हुए पाए गए, जबकि टीमों ने एमजीबीएस में चंद बसों की पार्किंग लॉट्स को भी चेक किया। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि अगर वो शहर में किसी भी मशकूक सामान या चीज को नजरअंदाज करते हुए देखें तो इन्हें इत्तला दें। मुल्क में जारी बदअमनी के बाद बांग्लादेश में अकलियतों पर हमलों की मजम्मत के लिए मुख्तलिफ तंजीमों ने शहर में एहतजाजी रैली निकाली। दिलसुख नगर में एंटी टेररिज्म फोरम ATF के जेर एहतमाम एहतजाजी रैली में तुलबा समेत तकरीबन 500 अफराद ने शिरकत की। मुंतजमीन ने बांग्लादेश में हिंदू बरादरियों के अफराद के मजहबी मुकामात और घरों पर हमले की मजम्मत की और अक़वामे मुत्तहिदा से फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया। स्कूल में खाना खाने के बाद तुलबा के बीमार पड़ने के वाकयात के सिलसिले में जिला परिषद हाई स्कूल बीबीपेट संगारेड्डी जिला के हेडमास्टर को मुअत्तल कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर DIO संगारेड्डी वेंकटेश्वर ने ये कार्रवाई चलाई। बताया गया है कि पीर को दोपहर का खाना खाने के बाद 24 तुलबा बीमार हो गए थे। इनको नारायण खड़ा के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। जब तुलबा के वालिदैन को इस बात का इल्म हुआ तो वो हॉस्पिटल पहुंचे। इन्होंने इल्जाम लगाया कि दोपहर के खाने में उबला हुआ चिकन अंडा खाने से ये तुलबा मुतासिर है। तेलंगाना के बेशतर सरकारी हॉस्टल्स का एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों पर मुश्तमिल टीमों ने अचानक मुआयना किया। ज़राए के मुताबिक मंगल की सुबह अचानक इन टीमों ने मुआयना किया। इन्होंने हॉस्टल के जिम्मेदारों से तफसील हासिल की और अशियाए खुर्दनोश का भी मुआयना किया। साथ ही इन्होंने हॉस्टल में दीगर सहूलियात का भी जायजा लिया। शहर में मौसलाधार बारिश के दरमियान मंगल 13 अगस्त को उस्मानिया यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर मेस में छते टपकने की इत्तला मिली। पानी से भरे मेस में खाने पर मजबूर स्टूडेंट्स की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। ऐसे ही एक वीडियो में दो स्टूडेंट्स इस मामले पर रोशनी डालने की कोशिश में फर्श से पानी को एक प्याले में डालते हुए नजर आ रहे हैं। रिसर्च स्कॉलर्स के मुताबिक पानी डाइनिंग हॉल और स्टोर रूम में दाखिल हो गया, जिससे सेहत को खतरात लाहक। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स बीबी नगर में रेसिडेंट डॉक्टर्स की एसोसिएशन ने मंगल 13 अगस्त को आरजी कार मेडिकल में एक जूनियर डॉक्टर की वहशियाना इज्जत रेजी और कत्ल के खिलाफ मुल्क घेर एहतजाज के साथ इजहार एकजती के लिए एक एकजती मार्च और मोमबत्ती जलाई। सेहत की देखभाल करने वाले कारकुनान खास तौर पर खवातीन को दरपेश सिक्योरिटी के मसाइल के खिलाफ एहतजाज में फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने मंगल 13 अगस्त से बैरूनी मरीजों की खिदमत समेत गैर जरूरी ड्यूटियों का बायकॉट करने की कॉल दी। तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो, जिसने हैदराबाद और अजला में सरकारी और प्राइवेट डी एडिक्शन मराकज का मुआयना किया, कहा कि ऐसी 16 सहूलियात में से सिर्फ 2 तेलंगाना में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। टीमों ने रंगारेड्डी, वरंगल, करीमनगर, आदिलाबाद, खम्बम और नलगुंडा में वाक़े डी एडिक्शन मराकज का दौरा किया और कहा कि इस तरह की सहूलियात को जिला इंतजामिया से हौसला अफजाई हासिल करनी चाहिए। हिंदुस्तान की रियासत मध्य प्रदेश में एक नया तनाज़ा शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के कॉलेज में अब तुलबा को RSS कायदीन के जरिए तहरीर करदा किताबों को पढ़ाए जाने का फैसला कर लिया गया है। इस फैसले की कांग्रेस ने सख्त मजम्मत की। बताया जा रहा है कि जो किताबें कॉलेज तुलबा को पढ़ने के लिए मुंतखब की गई है, इनमें डॉक्टर अतुल कोठारी, दीनानाथ, देवेंद्र राव देशमुख समेत कई RSS लीडरान की किताबें हैं।
हज का इरादा करने वाले असातेज़ा के लिए है खुशखबरी। 2025 का हज 2 या 3 जून से शुरू होगा, यानी तकरीबन हज का ये सफर गर्माई तातिल में आने वाला है। इस जरीन मौके का हमारे असातेज़ा फायदा उठा सकते हैं और फौरी हज 2025 के लिए अपना फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। याद रहे कि 13 अगस्त से हज का फॉर्म ऑनलाइन दाखिल करने का आगाज हो चुका है और इसकी आखिरी तारीख 9 सितंबर है। वाजह हो कि फॉर्म दाखिल करने के लिए आपसे एक पैसा भी नहीं लिया जाता है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज अहमदाबाद में अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जेर एहतमाम तिरंगा यात्रा का आगाज किया। इस मौके पर गुजरात के वजीर आला समेत कई मुआजरीन मौजूद थे। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी की तरफ से शुरू की गई हर घर तिरंगा मुहिम हिब्बुल वतनी का इजहार बन गई है। इन्होंने इस मौके पर कहा कि 15 अगस्त को हम आजादी के 78वें साल में दाखिल होने जा रहे हैं और इस मौके पर गुजरात में एक भी घर या दफ्तर तिरंगे के बगैर नहीं होने चाहिए। इन्होंने कहा कि ये तिरंगा यात्रा इसलिए शुरू की गई है कि पूरा गुजरात तिरंगा में सजे और इसके लिए गुजरात और मुल्क के हर शहरी के जहन में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा हो। अमेरिका ने मशरिकी वस्ती में जारी कशीदगी के तनाजे में इंतबाह दिया है कि ईरान इसराइल के खिलाफ जल्द ही हमला कर सकते हैं। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के तर्जुमान ने कहा कि इसराइल और इसके एहतियातियों को ईरान की जानिब से जारी हफ्ता मुमकिन बड़े हमलों के लिए तैयार रहना चाहिए। हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया की 31 जुलाई को तेहरान में शहादत के बाद इस खत्ते में कशीदगी में इजाफा हो गया है। ईरान ने इस्माइल हानिया के कत्ल का इल्जाम इसराइल पर आयद करते हुए रद्द अमल में जवाबी कार्रवाई का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल में अब असातेज़ा बच्चों को डांट भी नहीं सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि महकमे तालीम की तरफ से नए तालीमी साल के लिए जो गाइडलाइंस जारी हुए हैं, इसमें सख्ती से कुछ चीजों को ममनुआ करार दिया। बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जारी तफसीली गाइडलाइंस में बताया गया है कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे बच्चों को किसी भी तरह की जिस्मानी या नफसियाती सजा नहीं दी जाएगी। बच्चों को फटकाना, अहाते में दौड़ाना, चूटी काटना, चाटा मारना, घुटनों की ताकत पर बिठाना, क्लासरूम में तन्हा बंद करना वगैरह से असातेज़ा को परहेज करने की हिदायत दी गई। यानी अब असातेज़ा के लिए तुलबा को डांटना भी महाल हो गया है। इस गाइडलाइंस पर सभी प्राइमरी स्कूल के असातेज़ा को लाजमी तौर पर अमल करना होगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 2025 के मुकद्दस सफर हज के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की तारीख का ऐलान कर दिया है। हज फॉर्म भरने का अमल बतारीख 13 अगस्त 2024 से 9 सितंबर 2024 तक जारी रहेगा। इस साल पहली बार हज फॉर्म हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट के अलावा हज सुविधा ऐप पर भी भरे जाएंगे। इसके अलावा मरकजी वजीर बराए अकलती ने दफ्तर से हज 2025 के एक्शन प्लान को जारी